y'all, welcome back to my channel. This is Anupam Prajapati and I'm back with another video. Now my today's video is going to be the Saroshini Nagar Hall video. Aaj ki Saroshini Nagar Hall video is the part 3 of ye wali video. Part 1, part 2 is already out and part 4 bhi iske just baad aayegi. So stay tuned for all of that. Aaj ki video is kind of different. Do reasons hain. The first reason is mera size small hai, but I'll also show you clothes which are of extra large size and large size because maine apni mama ke liye and sisters ke liye bhi clothes liye the. And the second reason is this is not just a haul video, but it's like vlog plus haul video or vlog cum haul video. So excited? Okay, so wait a minute more and without any further delay, let's get straight into the video. So let's start. मैंने सरोजनी नगर के साउथ विंग वाले गेट से एंटर किया था एंड इट वॉज अराउंड 12:15 PM 12:15 बज रहे थे एंड आप भीड़ देख सकते हो, ऐसी कुछ भीड़ थी वहाँ पे 12:15 बजे ही. एंटर करते ही शॉप्स शुरू हो जाते हैं. जैसे आप एंटर करोगे तो राइट साइड पे कुछ खाने पीने की शॉप्स हैं एंड साइड में आप देख सकते हो एक्सेसरीज की शॉप है. यहाँ पे थोड़ा कॉस्टली मिलता है, जैसे जैसे आप मार्केट में एंटर करते जाओगे चीज़ें थोड़ी और सस्ती होती जाती हैं. आप देख सकते हो एक तो सरोजनी में बिल्कुल स्ट्रेट रास्ता है और एक राइट साइड में जाता है रास्ता. तो मैं इस बार स्ट्रेट रास्ते पर नहीं गई थी, बट आई वेंट टू द राइट साइड. एंड राइट साइड पर जाते जाते भी जैसे आप राइट साइड में जाते जाओगे एंटर करते जाओगे तो शॉप्स हैं, स्टॉल्स हैं एंड एक्सेसरीज की शॉप है एंड स्टॉल्स लगे हुए हैं जिसपे 50 की 150 की 100 की ऐसे पर मतलब फिक्स प्राइस है उनका और इस सेल प्राइस पे ही वो लोग सेल करते हैं. देन आप चश्मे की शॉप देख सकते हो एंड विंटर वेयर्स नंबर ऑफ थिंग्स थे वहाँ पे. तो इस रो में हम लोग इस लाइन में जाते गए थे. राइट में जाते जाते हम लोग लास्ट में पहुंच गए थे. वहाँ पे ये साई जूस कॉर्नर था. यहाँ पे बहुत सारी चीजें खाने को अवेलेबल थी. सबसे पहले हमने ये पापड़ी चाट खाया था. बहुत सारी अमेजिंग चीजें उनके यहाँ मिलती है. चाट खाने के बाद, आइसक्रीम खाने के बाद हमने अपनी शॉपिंग शुरू करी. साई जूस कॉर्नर के सामने बेंचेस से वहाँ पे हम बैठ के चाट इंजॉय कर रहे थे और उसके सामने आप देख सकते हो सॉफ्ट टॉयज के शॉप्स हैं एंड एक्सेसरीज लाइक वहाँ पे पर्स, बैग, मोबाइल कवर्स हैं, इन सब के शॉप्स थे. देख सकते हो इधर साइड से एक रास्ता जा रहा है. अब इस रास्ते पे हम लोग गए थे एंड इस रास्ते पे लाइन से बिल्कुल लंबे से शॉप्स थे जहाँ पे 200 का 100 का 150 का सेल चल रहा था. तो सारे शॉप्स पे लाइक फिक्स प्राइस था. एक शॉप पे सब कुछ वॉज फॉर ₹200, एक शॉप पे सब कुछ वॉज फॉर ₹150 एंड एक शॉप पे वॉज सब कुछ फॉर ₹100. ऐसे नंबर ऑफ लाइन ऑफ शॉप्स थे. शॉप्स के बाहर कुछ स्टॉल्स लगे हुए थे ऐसे जिसपे की चीज़ें 50 की भी मिल रही थी, 80 की भी मिल रही थी, 100 की भी मिल रही थी. इट डिपेंड्स कि उन्होंने क्या सेल उस दिन के लगाया हुआ. हम लोग ना मंडे मार्केट में गए थे. ऐसा कुछ नहीं है कि मंडे को चीज़ें महंगी मिलती हैं या फिर कम मिलती हैं या फिर कलेक्शन ख़राब होता है. मैं मंडे को गई थी एंड मंडे को भी हमने बहुत अच्छी शॉपिंग की थी. बहुत सारी चीज़ें हम लोग को पसंद आ रही थी. तो सबसे पहले मैं इस वाली शॉप पर गई थी एंड यहाँ पर 200 का सेल लगा हुआ था. यहाँ से मैंने अपने लिए कुछ नहीं लिया, बट आई टुक दिस ग्रे स्वेटर फॉर माई मम्मा. ये फुल स्लीव्स है एंड दिस वॉज सुपर फ्रेश. इसकी क्वालिटी अमेजिंग थी. बहुत ही रिच पॉश लग रहा था, इसीलिए इट अट्रैक्टेड मी. And also this costed for just ₹200, तो मैंने इसको परचेज कर लिया. सॉरी मम्मा नहीं है अभी, मम्मा घर पे हैं तो मैं इसको ट्राई ऑन करके नहीं दिखा सकती. बट हाँ, कुछ चीज़ें हैं मम्मा के प्रोडक्ट्स जो मैंने ट्राई ऑन करके दिखाया है आगे इस वीडियो में. ये मैं दिखाना भूल गई थी एंड ये मैंने भिजवा दिया, तो प्लीज़ मैनेज विद दैट. द क्वालिटी, द फैब्रिक एंड द स्टाइल, एवरीथिंग वाज सो अमेजिंग एंड मेरी मम्मा को बहुत ही अमेजिंग फिट आ रहा है. अब हम लोग नेक्स्ट शॉप पे गए एंड नेक्स्ट शॉप पे 150 की सेल चल रही थी, बट वहाँ हमें कुछ खास इतना पसंद नहीं आया तो मैंने वहाँ से कुछ नहीं लिया. बट जैसे हम लोग बाहर निकले तो उनके बाहर जो स्टॉल लगा हुआ था वहाँ 50 की सेल चल रही थी. एंड इस 50 वाले स्टॉल से हमने 3 चीज़ें परचेज करी थी. दो तो मैंने मम्मा के लिए परचेज किया था बिकॉज वहाँ पे ऑलमोस्ट चीज़ें एक्स्ट्रा लार्ज या लार्ज साइज में ही थी. एक है स्वेटर जो मेरी फ्रेंड ने परचेज किया था, वो आपको मेरे नेक्स्ट वीडियो में देखने को मिलेगा एंड दैट इज़ वेरी क्यूट. अभी के लिए लेट मी शो यू दिस. एक तो ये रेड वाला कार्डिगन जो बहुत ही लाइट वेट है, पतला सा है, और एक था ये हाफ ग्रे कार्डिगन. मैंने अभी जस्ट ग्रे कार्डिगन लिया था एंड दैट कॉस्टेड मी अराउंड 200, बट बिकॉज ये वाला वॉज जस्ट फॉर ₹50, इसीलिए मैंने इसको भी ले लिया. जो दोनों स्वेटर्स थे, ये हाफ ग्रे वाला और जो रेड कार्डिगन, ये दोनों कार्डिगन्स जो हैं लाइट विंटर के लिए बहुत ही परफेक्ट है. अंदर मेरी मामा को पसंद आए. ऑल्सो क्वालिटी वाइज इट्स अमेजिंग. तो पूरा पैसा वसूल था ये. इनफैक्ट पैसा वसूल से भी ज़्यादा ₹50 में क्या ही मिलता है. देन इसी लाइन में हम गए नेक्स्ट शॉप पे एंड वहाँ पे भी 150 का सेल चल रहा था एंड एवरीथिंग वॉज सो अमेजिंग देयर. वहाँ का कलेक्शन बहुत ही ट्रेंडी था. इट वॉज सो गुड. लाइक बहुत सारे मैंने वहाँ पे हाफ स्वेटर्स, हाफ स्वेटर वेस्ट देखे थे या फिर फनी स्वेटर्स देखे थे और पेस्टल कलर्स में थे सारे. दोज वर रियली वेरी क्यूट. मैंने ऑलरेडी अपने लिए बहुत सारी विंटर वेयर की शॉपिंग कर ली थी, इसीलिए आई डिडंट ग्रैब एनीथिंग फॉर मी. बट मैंने मोस्टली इस बारे मम्मा के लिए शॉपिंग करी थी एंड मेरी बहनों के लिए. यहाँ से मैंने
फिर एक जैकेट लिया रेड कलर का, बिकॉज क्रिसमस का टाइम था, तो आई जस्ट थॉट टू बाई समथिंग रेड जिसमें मेरी मामा बिल्कुल सेंटा क्लॉज लगे, बिल्कुल एग्जैक्टली वैसा ही मिल गया। इट वॉज सुपर क्यूट, सुपर 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 क्यूट, द फैब्रिक वॉज सो नाइस, इट वॉज सुपर फ्रेश। इट इज दिस रेड हाफ जैकेट विद अ हुडी विद अ कैप, यू कैन सी, एंड इसमें फ्रंट में दो पॉकेट्स दिए हुए हैं, एंड साइड्स में इट्स टाइट, इट्स लाइक मतलब थ्रेड का पैटर्न है, एंड दैट लुक्स रियली वेरी ग्रेट। लेट मी शो यू, इसका साइज बहुत बड़ा है बट स्टिल आई एम वेयरिंग इट, एंड आप देख सकते हो इट लुक्स वेरी क्यूट। मेरी मामा पे दिस लुक्स अमेजिंग। शॉप से अगेन मैंने एक ऑफ वाइट कलर का हाई नेक का स्वेटर लिया था, जो कि आपको मेरे नेक्स्ट हॉल में देखने को मिलेगा, सो स्टे ट्यून्ड फॉर दैट। शॉप से निकलने के बाद हम लोग एक शॉप पे गए थे, दैट वाज नॉट शॉप एक्चुअली, फुटपाथ पे उन्होंने लगा रखा था, एंड दैट वाज सेल फॉर रुपीज 200। वहाँ पे बहुत सारे लॉन्ग स्वेटर्स मिल रहे थे, लॉन्ग कार्डिगन्स मिल रहे थे, शॉर्ट स्वेटर्स भी मिल रहे थे, क्यूट क्यूट थे, एंड साथ ही साथ वहाँ पे फुटवेयर्स भी मिल रहे थे, बेलीज थे, हील्स थे। बट बिकॉज अभी हम लोगों ने एंटर ही किया था, ऑलरेडी हमने 5-6 चीजें ले ली थी, हमने सोचा कि अभी तो बहुत बड़ा मार्केट है, इसीलिए हमने यहाँ से कुछ नहीं खरीदा, हम लोग आगे बढ़ते गए। देन हम आगे जा रहे थे, एंड आगे जाते जाते बहुत सारे वहाँ पे बूट्स के शॉप थे, देन फुटवेयर के शॉप थे, देन कोट के शॉप थे, फिर हम लोग एक कोट वाली शॉप पे रुके, एंड कोट वाली शॉप पे पता है क्या, वहाँ पे 200 या फिर 250 का सेल था, आई डोंट रिमेंबर एग्जैक्टली, 200 या 300 का कुछ एग्जैक्ट सेल था, एंड वहाँ पे सिर्फ और सिर्फ कोट्स मिल रहे थे, सिर्फ और सिर्फ कोट्स। बट वहाँ से मुझे कुछ खास कोट पसंद नहीं आया, सब कुछ एक्स्ट्रा लार्ज ही था वहाँ पे, एंड मुझे लगा कि मुझे थोड़ा और आगे जाना चाहिए क्योंकि टाइम निकल चुका था काफ़ी, तो हमने वहाँ से कुछ परचेज नहीं किया। बट वहाँ पे पता है कि एक स्वेटर ड्रेस अचानक से दिख गया था, एंड दैट वाज सो क्लासी, वो ब्लैक एंड ऑफ वाइट का कॉम्बिनेशन था, आई एक्चुअली वॉन्टेड टू हैव दैट, बट बिकॉज उसका साइज स्मॉल था, वो मेरे को वेस्ट वाले एरिया पे टाइट आता, उसका वेस्ट जो है काफ़ी नैरो था, इसीलिए मैं उसको नहीं ले पाई। आई एक्चुअली वॉन्टेड टू हैव दैट, आई डोंट नो मैंने उसका क्लिप लिया है कि नहीं, अगर होगा तो आई शो इट हियर, बट अगर नहीं होगा तो समझ जाना आप। तो इस कोट वाली शॉप से हमने फाइनली कुछ नहीं लिया, एंड हम आगे बढ़ते गए। जैसे हम लोग आगे जा रहे थे, वहाँ पे 80 रुपीज का स्टॉल था, दूर से मुझे उनका कलेक्शन इतना पसंद नहीं आया था, उनके यहाँ पे भी ऑलमोस्ट चीजें एक्सेल साइजेस में, एक्स्ट्रा लार्ज में थी, बट हम लोग को एक स्वेटर मिला और वो सिर्फ 80 रुपीज का था, एंड दैट स्वेटर इज रियली अमेजिंग, वो इतना थिक है, उसको वेयर कर लो एंड सारी ठंडी निकल जाती है। तो आप देख सकते हो योर इज दिस ग्रीन स्वेटर, ये जो ग्रीन कलर है बहुत ही डिफरेंट सा डार्क ग्रीन कलर है, द नेट इज सुपर हैवी एंड थिक, बिल्कुल भी ठंड नहीं लगती है इसमें। ग्रैब दिस फॉर माय मम्मा, मैं आपको यहाँ स्टाइलिंग करके दिखा रही हूँ, ये बिल्कुल ढीला आ रहा है, थोड़ा सा बड़ा लग रहा है, बट ठीक है आप मैनेज कर लेना, एंड दिस इज हाउ इट लुक्स। आज की शॉपिंग हॉल का अगर हम लोग प्राइस वाइज बेस्ट परचेज देखिए तो वो ये है, बिकॉज इट वॉज फॉर जस्ट ₹80 एंड इट वॉज सुपर थिक, सुपर वार्मिंग एंड सुपर स्टाइलिश एज वेल। इसमें फ्रंट में दो पॉकेट्स है, नेट इज वेरी गुड, अंदर से जो कोट वाला फैब्रिक लगा होता है वो इसमें लगा हुआ है, जो जिप की क्वालिटी है दैट इज ऑल्सो वेरी गुड, वेरी स्मूथ, एंड फॉर 80 रुपीज, हैट्स ऑफ, ग्रेट प्रोडक्ट इट इज। इतनी शॉपिंग करते वक्त ही हमें 2 घंटे हो चुके थे, अभी 2 बज गए थे, हमने 12 बजे एंटर किया था एंड हमें 4 बजे सलोनी से एनी हाउ निकलना था, बिकॉज हमें बस लेनी थी मेरठ के लिए, तो हमारे पास बिल्कुल टाइम था और 4 बजे तक सब कुछ खत्म करना था, और हमने अभी तक सलोनी के मेन मार्केट में भी एंटर नहीं किया था, तो हमने जल्दी जल्दी करना स्टार्ट किया सब कुछ। आगे हम लोग बढ़ते गए, जो कुछ शॉप्स थी वहाँ पे वो हमने छोड़ दिया, एंड हम लोग फटाक से सलोनी के मेन मार्केट में चले गए। अब वहाँ पे एक बहुत फनी सी चीज़ हुई, हम लोग जो शॉप में एंटर किए वहाँ 200 का सेल चल रहा था या 250 का सेल चल रहा था, आई डोंट रिमेंबर एग्जैक्टली, बट वहाँ पे सेल थी, और जो बाहर स्टॉल्स लगे हुए थे उनका भी फिक्स प्राइस था, वहाँ पे भी 200 या 250 की चीज़ें मिल रही थी। वहाँ पे मुझे 2-4 स्वेटर्स बहुत ज़्यादा पसंद आ गए थे, बट एक का तो मेरे पास ड्यूप था, वैसा ही कुछ था मेरे पास, तो मैंने उसको इग्नोर किया, और एक और था उसको भी मैंने एनी हाउ इग्नोर कर दिया, बट 2 स्वेटर्स तो बहुत 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 अलग था और मुझे बहुत ज़्यादा क्यूट लगा, एंड बिकॉज वो बहुत ही अट्रैक्टिव था इसीलिए आई जस्ट वॉन्टेड टू ग्रैब दैट। अब फनी इंसिडेंट ये होना कि जो भैया उस स्टॉल पर सेल कर रहे थे, शॉप के बाहर वाले भैया, जिनका वो शॉप था नहीं बट जो स्टॉल आगे लगा के सेल कर रहे थे, उनके स्टाफ होंगे वो, तो वो उनका जो वे ऑफ टॉकिंग था ना, जो उनका एक्सेंट था, दैट वॉज सो फनी, आई शुड रियली रिकॉर्ड इट, आप लोग उनको देखते, वो इतने फनी वे में प्यार से बोल रहे थे, लेट मी इमिटेट, आई नो मैं एग्जैक्टली कॉपी तो नहीं कर पाऊंगी बिकॉज आई एम नॉट एट ऑल गुड एट एक्टिंग, बट आई ट्राई। सो ही वॉज लाइक, मैम दे दीजिए ना, मैम ले लीजिए ना, एंड मैं और मेरी फ्रेंड बोल रही कि नहीं भैया कुछ तो कम कर लीजिए, वी वर ट्राइंग टू बार्गेन, बट इट वाज लाइक नहीं मैम नहीं हो सकता मैम, लाइक ही वाज रियली, ही वाज मेकिंग सो स्लो एंड वाज सो फनी। अगर आप लोग भी सरोजनी गए हो एंड आपका भी इनकाउंटर हुआ है इन भैया से, तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, एंड वो लिटरली ऐसे ही बोलते हैं,
मतलब गादा के ही बस सेल, मैम दे दीजिए ना, मैम नहीं हो सकता, मैम मैम ले लीजिए ना, मैम मैम 200 का ही मिलेगा, मैम नहीं मैम। एंड यू आर लाइक भैया 10 रुपये तो कम कर दीजिए, भैया 20 रुपये तो कम कर दीजिए, भैया कुछ तो कम करिए, आप कुछ कम करेंगे तो हम 4 स्वेटर्स ले लेंगे। बट ही वाज लाइक नहीं मैम फिक्स प्राइस है मैम, नहीं मैम ले लीजिए मैम। ओह माय गॉड, और हम लोग को इतनी हंसी आ रही थी, उनको समझ में आ रहा था कि वी वर मतलब बीइंग फनी, हम लोग को मजा आ रहा है उनको देख के। हम लोग ऑलरेडी लेट थे बट हम लोग को ये स्वेटर इतना पसंद था कि 5-10 मिनट हो गए थे, स्टिल हम लोग वहीं अटके और हम उनको रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि भैया कुछ कम कर दीजिए। में क्या हुआ ना, एक और लेडी आई, लेडी बोलूँ या फिर हमारे एज ग्रुप की थी, हमसे थोड़ी सी बड़ी होगी, एंड उनकी नज़र आ गई इस पे, उनको इतना इंटरेस्ट आ गया था मेरे दोनों चूज किए हुए स्वेटर्स। शी वाज लाइक आप ले रहे हो क्या, मैं ले लूं। मैंने उनको डायरेक्टली साफ साफ बोला नहीं मैं ले रही हूँ। तो शी वाज लाइक कि ठीक है, फिर भी वो उसकी काफ़ी देर तक नज़र थी स्वेटर पे, एंड वो अंदर गई बाहर आई, और जब तक हम लोग बार्गेन कर रहे थे तब तक 5-10 मिनट बाद फिर से आई कि आप ले रहे हो क्या। मैं वाज लाइक कि हाँ मैं ले रही हूँ, बट आई ट्राइड कि कुछ कम हो जाए, पर वो जो स्टाफ वाले भैया थे उन्होंने बिल्कुल नहीं माना, वो हर बार नहीं मैम नहीं हो सकता मैम। तो मैंने सोचा कि अच्छा चलो इसके जो ओनर है शॉप के उनसे बात करते हैं। एक्चुअली हम लोग को मजा आ रहा था इस प्रोसीजर में, इसलिए हम लोगों ने और कंटिन्यू किया। तो फिर हम लोग जो ओनर थे भैया, हमने उनसे रिक्वेस्ट की कि भैया हमको ये 3-4 स्वेटर्स लेने हैं, आप कुछ कम कर दो। तो पता है क्या, उन्होंने सिर्फ बोला 10 रुपीज़ कम करूँगा। हाँ, तो फिर हमने सोचा कि छोड़ो यहाँ तो कुछ कम होने वाला नहीं है। तो हमने जो है ये 2 स्वेटर्स, ये पिंक वाला और ये लाइट ब्लू वाला हमने ले लिया। तो 390 में मैंने ये 2 स्वेटर्स लिया था। पेमेंट में भी इशू आया, हमारे पास कैश खत्म हो गया था और ऑनलाइन हम लोग उनको पे करे तो वहाँ पे पेमेंट वहाँ नेटवर्क ही नहीं आ रहा था। और इतने में किसी ने बहुत ही गंदा पार्ट किया, बहुत ही गंदा, मेरी और दूसरों की हालत ख़राब हो गई। और हम लोग कहते कि यार भागो ऐसे, तो वहाँ पर इतनी भीड़ थी हम लोग निकल नहीं पा रहे थे। एंड ओह माय गॉड, इतना गंदा हाल, मतलब 2 स्वेटर के चक्कर में ना इतना हमारा टाइम वेस्ट हुआ और इतने गंदे गंदे ये कुछ एक्सपीरियंस भी देखने को मिले। तो इट वाज फन। ये दोनों स्वेटर्स लिए थे मैंने यहाँ से, एक तो ये लाइट पिंक वाला और एक ये लाइट ब्लू वाला। ये दोनों मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद आए थे। आप देख सकते हो जो लाइट ब्लू वाला स्वेटर है ये कार्डिगन पैटर्न में है एंड इट्स बटन डाउन, और इसके नेक पे नेट फैब्रिक का वर्क है और उस पर स्टोन्स पूरे लगे हुए हैं। तो नेट फैब्रिक पे स्टोन का वर्क है जो कि बहुत ही क्यूट लगता है। और सबसे अच्छी बात है ना कि जो इसका कलर है लाइट ब्लू सा, बहुत ही सॉफ्ट सोबर एंड बहुत ही प्यारा सा कलर है। फ्रेश पीस था, बहुत सॉफ्ट फैब्रिक था, बहुत कम्फी था, एंड फॉर विंटर्स इट वॉज वेरी अप्रोप्रिएट। फॉर ₹200 या फिर 195 इट वॉज गुड। या जो ये नेक्स्ट पिंक वाला स्वेटर था, ये बहुत ही प्यारा सा फूशिया कलर जो होता है ना, वो फूशिया कलर सा कुछ था। सबसे अट्रैक्टिव मेरे को स्लीव्स लगे थे, ना फुल स्लीव्स हैं ना हाफ स्लीव्स हैं, 3/4 एंड दिस फिट्स अमेजिंग। द फैब्रिक ऑफ दिस स्वेटर इज अमेजिंग, इट्स टोटली फर एंड बहुत 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 ही सॉफ्ट एंड कोजी है ये, आई जस्ट लव दैट। द कलर जो है इट्स ब्राइट, तो फॉर सन डेज, फॉर डे टाइम पार्टी लुक्स ग्रेट। राइट साइड वाला लेन था, उस वाले शॉप्स में अगर आप जाओगे तो आपको ऐसे पीसेस ईजिली मिल जाएंगे, वहाँ पे ऐसे बहुत सारे कलेक्शन। इट्स जस्ट वेट फॉर अ सेकेंड, आई जस्ट क्विकली वांटेड टू टेल यू अबाउट अ प्रोडक्ट व्हिच आई हैव डिस्कवर्ड दीस डेज एंड इट्स रियली वेरी। इट इज दिस आइटिस आई ड्रॉप्स टू कीप योर आईज हेल्दी एंड आपके शार्प विजन के लिए, आपकी आंखों के विजन को शार्प करने के लिए। एंड आयुर्वेदिक मेडिसिन फ्री फ्रॉम हार्मफुल केमिकल्स, इट इज़ अ पावरफुल एंटी बैक्टीरियल एंड नॉन इरिटेटिंग सोल्यूशन विदाउट एनी हार्मफुल इफेक्ट टू योर आईज। अगर आपकी आंखों में इन्फ्लामेशन या फिर सूजन है, इरिटेशन है या फिर आंखों से पानी आ रहा है, अगर आपको क्रॉनिक या फिर अक्यूट कंजक्टिवाइटिस है, फिर आंखों को ठंडा रखने के लिए, हेल्दी रखने के लिए, लश्रस रखने के लिए और आपकी विजन की इक्विटी को मेंटेन करने के लिए, इवन अगर आपको आई स्ट्रेन, आंखों में दर्द की प्रॉब्लम है और इन्वायरमेंटल पोल्यूशन से भी बचने के लिए, दिस इज अ ग्रेट आई ड्रॉप। इसका कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है, आप इसको डेली बेसिस पे यूज कर सकते हो। इसमें हरिद्रा, नीम, विभूति, आमलकी, तुलसी पत्र, पुदीना, यामिनी, मधु, स्वीत चंदन, रक्त चंदन, इला, भृंगराज, फिटकरी, गुलाबजल ऐसे कंटेंट्स हैं, इसीलिए इसका कोई भी साइड इफेक्ट्स नहीं है। इसको यूज करने का तरीका इज आल्सो वेरी सिंपल, सिंपली 1-2 ड्रॉप्स आपको सुबह में और रात को सोने से पहले डालना है। बट आपको मैं एक टिप देना चाहूंगी कि जब भी आप कोई आई ड्रॉप, ईयर ड्रॉप ऐसा कुछ सोल्यूशन खोलो ना, उसको 1 मंथ के अंदर यूज कर डाला करो, बिकॉज 1 मंथ के बाद ना वो खराब हो जाता है। ऑल्सो कभी भी जो ये नोजल होता है ना, इन सब आई ड्रॉप्स का, ईयर ड्रॉप्स का जो भी एक टिप होता है, माउथ होता है, उसको कभी भी हैंड से मत टच किया करो, सो दैट वो स्टेराइल रहे और आपका जो प्रोडक्ट है वो खराब ना हो। प्राइस भी ऐसा कुछ बहुत हाई नहीं है, इट्स जस्ट फॉर ₹67। इसीलिए आई एम रिकमेंडिंग दिस टू यू, आप इसको डेफिनेटली ट्राई कर सकते हो।
अभी मुझे लग रही है कि ये वीडियो काफ़ी लंबी हो रही है, तो मैं इसको नेक्स्ट पार्ट में कंटिन्यू करती हूँ। वहाँ से विल सी मोर प्रोडक्ट्स। मैंने फ्लैट्स भी लिए हैं दो दो, और भी मैंने बहुत सारे स्वेटर्स लिए हैं, स्कर्ट्स लिए हैं, एंड मैंने शर्ट भी लिया है आई गेस। पार्ट वन, पार्ट टू, पार्ट थ्री, पार्ट फोर, जो भी सारे वीडियोस हैं उन सब का लिंक, और मैंने एक और सरोज नगर की वीडियो की है जहाँ मैंने कॉलेज फेयर पर्पस से चीज़ें ली थी, तो उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐड कर दूंगी, या फिर यहाँ मेरे आई बटन पे कार्ड्स में ऐड कर दूंगी। आप वहाँ से उनको डायरेक्टली चेक कर सकते हो। यू विल लव ऑल ऑफ देम, सो गो सी ऑल ऑफ देम, एंड मिलती हूँ आपसे मेरे नेक्स्ट हॉल वीडियो में। एग्जैक्टली यहीं से कंटिन्यू करूंगी मैं, स्टोरी वाइज ही समझ गया ना। सो सी यू देयर, बाय, टाटा।